बाबर आजम का बड़ा फैसला। बाबर आजम ने सभी प्रारूपों में पाकिस्तान की कप्तानी छोड़ दी, लेकिन इतना कठिन फैसला क्यों लिया बाबर ने, जानिए। बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में कप्तानी का पद छोड़ दिया है। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अंतरिम प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जका अशरफ से मुलाकात के तुरंत बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घोषणा कर दी ये बात। वही बाबर ने कहा, मुझे वो पल अच्छी तरह से याद है जब मुझे 2019 में पाकिस्तान का नेतृत्व करने के लिए पीसीबी का कॉल आया था। पिछले 4 वर्षों में मैंने मैदान पर और बाहर कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन मैंने क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान का गौरव और सम्मान को बरकरार रखने के लिए ईमानदारी और लगन के साथ काम किया है। सफेद गेंद क्रिकेट में नंबर 1 स्थान पर पहुंचना खिलाड़ियों, कोचों और प्रबंधन से संयुक्त प्रयासों का परिणाम है, लेकिन मैं इस यात्रा में उनके अटूट समर्थन के लिए उत्साही पाकिस्तान क्रिकेट प्रशंसकों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। बाबर ने बाद में ये भी लिखा, आज मैं सभी प्रारूपों में पाकिस्तान के कप्तान का पद छोड़ रहा हूं। ये एक कठिन निर्णय है, लेकिन मुझे लगता है कि इस फैसले लेने के लिए यही सही समय है। मैं तीनों प्रारूपों में एक खिलाड़ी के रूप में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करना जारी रखूंगा, अपने अनुभव के नए कप्तान और टीम का समर्थन भी करूंगा। पाकिस्तान की टीम आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। 9 में से सिर्फ 4 मैच जीतकर वे अंक तालिका में 5वें स्थान पर थे। विश्व कप के सामने आते ही पाकिस्तान क्रिकेट में डामाडोल शुरू हो गया, जिसके चलते बाबर आजम ने यह फैसला लिया है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।